जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं, बॉलीवुड में ज्यादातर अभिनेत्रियां एक शादीशुदा शख्स के साथ रिलेशन रखती हैं और वो शख्स इन अभिनेत्रियों के प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो अपनी फर्स्ट वाइफ को तलाक देकर इन अभिनेत्रियों के हो जाते हैं, जिसके बाद उन शख्स की फर्स्ट वाइफ और अभिनेत्रियों के बीच सौतन का रिश्ता बन जाता है। और हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ अभिनेत्रियां इस रिश्ते को निभा रही हैं। लेकिन दोस्तों, आप इन अभिनेत्रियों के बारे में तो सब जानते होंगे, पर क्या आप इन अभिनेत्रियों के सौतन के बारे में जानते हैं? तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की मशहूर सौतन की जोड़ियों से रूबरू करवाएंगे। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, बिपाशा बसु। इस लिस्ट की पहली कड़ी में अभिनेत्री बिपाशा बसु का नाम शुमार है, जिन्होंने साल 2015 में अभिनेता करण सिंह ग्रोवर से शादी की। पर इनसे पहले करण सिंह ग्रोवर ने टीवी की खूबसूरत अदाकारा जेनिफर विंगेट से शादी की थी। पर आपसी मतभेद की वजह से अभिनेता करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगेट ने एक दूसरे को डिवोर्स दे दिया। तो हुई ना, इस नाते जेनिफर विंगेट बिपाशा बसु की सौतन, और सौतन होने के नाते ये दोनों दूसरे से नफरत करती हैं और एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करती। नंबर टू, करीना कपूर। बॉलीवुड इंडस्ट्री में बेबो के नाम से मशहूर अभिनेत्री करीना कपूर, जिन्होंने बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान से साल 2012 में शादी की थी। पर सैफ अली खान इनसे शादी करने से पहले अमृता सिंह से शादी कर चुके थे, पर इनके बीच प्यार की कमी होने की वजह से अमृता सिंह और सैफ अली खान एक दूसरे से अलग हो गए। और इस तरह से अभिनेत्री करीना कपूर और अमृता सिंह रिश्ते में एक दूसरे की सौतन हो गईं। हालांकि अभी तक अभिनेत्री करीना कपूर अमृता सिंह से एक बार भी नहीं मिली हैं, पर इसके बावजूद ये उनसे बेहद नफरत करती हैं। नंबर थ्री, विद्या बालन। उलाला उलाला तू है मेरी फैंटेसी, ये सॉन्ग जब भी हमारे कानों में गूंजता है तो हमारे जहन में सबसे पहले अभिनेत्री विद्या बालन का नाम आता है, जिन्होंने सिद्धार्थ रॉय कपूर से साल 2011 में शादी की। पर इनसे पहले ये एक और शादी कर चुके थे, जिनका नाम आरती बजाज है। वही बात करें अभिनेत्री विद्या बालन और आरती बजाज के बॉन्डिंग के बारे में, तो आरती बजाज विद्या बालन को बिल्कुल भी नहीं मानती, बल्कि ये कहती हैं कि अगर विद्या बालन ने मेरे पति सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी न की होती तो मैं आज अपने पति के साथ होती। नंबर फोर, श्रीदेवी। अभिनेत्री श्रीदेवी का नाम इस लिस्ट की चौथी कड़ी में है, जिन्होंने अपने पति बोनी कपूर से साल 1996 में शादी की। पर इनसे शादी करने से पहले इन्होंने अपनी पहली पत्नी मोना शुराई को तलाक दे दिया। तो इस नाते हुई ना मोना शुराई कपूर श्रीदेवी की सौतन, पर श्रीदेवी इन्हें अपनी सौतन नहीं बल्कि बड़ी बहन मानती थी, लेकिन मोना इनसे दुश्मनी वाला रिश्ता रखती हैं। नंबर फाइव, शिल्पा शेट्टी। अपने लटके झटकों से यूपी बिहार को लूटने वाली अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने अपने पति राज कुंद्रा से साल 2009 में शादी की। पर आपको बता दें, राज कुंद्रा इनसे शादी करने से पहले अपनी बचपन की दोस्त कविता से शादी कर चुके थे, पर इनका ये रिश्ता कुछ ज्यादा नहीं चला, जिसके चलते ये दोनों अलग हो गए। तो हुई ना इस नाते कविता और शिल्पा शेट्टी एक दूसरे की सौतन। नंबर सिक्स, रानी मुखर्जी। बॉलीवुड इंडस्ट्री की मर्दानी कही जाने वाली अभिनेत्री हैं रानी मुखर्जी, जिन्होंने साल 2014 में आदित्य चोपड़ा से शादी कर ली थी। लेकिन इनके पति इनसे शादी करने से पहले पायल खन्ना से शादी कर चुके थे, लेकिन आपसी मतभेद की वजह से ये दोनों एक दूसरे से साल 2009 में अलग हो गए। और इसी तरह ये रानी मुखर्जी की सौतन हुई, लेकिन रानी मुखर्जी पायल खन्ना के सौतन की तरह नहीं बल्कि बड़ी बहन की तरह बिहेव करती हैं। पर वहीं पायल खन्ना को लगता है कि इनके पति को रानी मुखर्जी ने छीना है। नंबर सेवन, जूही चावला। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में नाम शुमार है जूही चावला का, जिन्होंने जय मेहता से शादी की और साल 1995 में एक दूसरे के साथ साथ फेरे लिए। पर इनसे शादी करने से पहले जय मेहता ने सुजाता बिरला से शादी की थी, लेकिन जय मेहता की पहली वाइफ सुजाता बिरला एक प्लेन क्रैश में मर गयी। पर जूही चावला के पति जया मेहता के दिल में पहली वाइफ के लिए खास जगह है, और जूही चावला भी यही कहती हैं कि मैं सुजाता बिरला की जगह कभी नहीं ले सकती। तो दोस्तों, आपको इन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से किसकी सौतन के बारे में जानकर हैरानी हुई? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।